हेलो एवरीवन तो प्रीवियस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है लेट दी वैल्यू फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल ठीक है यहाँ पर इंटीग्रेशन है ई टू पावर थ्री साइन इनवर्स ऑफ एक्स और ये वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है और ये प्लस में ई टू द पावर थ्री कॉस इनवर्स एक्स डी ठीक है तो अगर आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रैकेट के साथ अगर इसको हम ओपन करते हैं तो पहला टर्म क्या हो जाएगा e टू द पावर थ्री साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है और यहां पे आप देखोगे ये डी हो गया और दूसरा हो जाएगा e टू दावर थ्री साइन इनवर्स x है ना और प्लस थ्री कॉस इनवर्स x डी ठीक है यहाँ से देखो थ्री आप कॉमन निकाल सकते हो तो ये टर्म क्या बन गया थ्री साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है पाई बाई टू के है ना तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू है ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन सिर्फ यही इंटीग्रेशन है और ये एक्चुअली में कॉन्स्टेंट हो गया है ना इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को अगर आप टी ले लोगे तो ये वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी dt के इक्वल है ना तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये पूरा टर्म e टू द पावर 3t dt हो गया और ये प्लस e टू द पावर 3 पाई बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया है ना तो ये वाला पार्ट तो इजी है अब यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e टू द पावर थ्री 3, 3 e टू द पावर 3 पाई बाय 2 प्लस c और t की वैल्यू वापस से पुट कर दो ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर थ्री साइन इनवर्स एक्स बाई थ्री प्लस ई टू दावर थ्री पाई बाई टू एक्स प्लस सी है ना तो इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके इक्वल है और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पे ठीक है तो यहां पे आप देखोगे सी ऑप्शन आपका इजिली मैच करता हुआ दिखेगा है ना तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो पावर e थ्री है ना तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट टू दिलिप्स दिस ठीक है एक इलिप्स है हमारे पास तो ये इलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया ठीक है और इलिप्स का सेंटर क्या होगा जीरो कॉमा जीरो ठीक है और इस पे एक कोई टेंजेंट है यहाँ पे कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ये वाला और ये बोल रहा है इस टेंजेंट का जो इस टेंजेंट पे अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जिस पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इसका लोकस हमें दिया हुआ है ये इसका लोकस है है ना तो इस पॉइंट का लोकस निकालना जिसको हम एच कॉमा के कर सकते हैं है कि नहीं अब देखो अगर ये लोकस है तो अगर आप अगर आप इस लाइन का स्लोप देखोगे इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा के बाई एच क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा माइनस का एच बाई के नहीं अब देखो इस लाइन के लिए हमें स्लोप पता है ये हमारा स्लोप हो गया और पॉइंट पता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं ठीक है तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे y माइनस के इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा माइनस एच बाई के इंटू एक्स माइनस एच है ना और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस बाई के एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई के प्लस का के ठीक है यहां से एलसीएम लोगे तो ये के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा है ना तो प्लस का ये स्क्वायर बन जाएगा ठीक है अब आपको याद होगा कि अगर मैं इस टेंजेंट का इक्वेशन अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ठीक है और ये अगर इलिप्स पे टेंजेंट होता है तो c पे क्या कंडीशन निकल के आती है c का आपको कंडीशन हो, याद होगा c को हम क्या ले सकते हैं c इक्वल टू और c स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो ये इलिप्स का कंडीशन होता है जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस इलिप्स पे है ना और स्टैंडर्ड इलिप्स पे अगर टेंजेंट होता है ठीक है इस इक्वेशन के लिए ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू हमारे पास फोर्टी है ठीक है बी की वैल्यू कितनी है टेन है यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है ये देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ से हम ए और बी निकाल सकते हैं ठीक ना तो ये हमारे पास कंडीशन है सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट का है तो c की वैल्यू किसके हो जाएगी ये वाला है ना तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कौन सा इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो C, so C की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच कितनी हो जाएगी सॉरी ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है ठीक है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्टी फोर्टी और एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो ये हमारा स्लोप है एम तो क्या हो जाएगा माइनस का एच बाई के का होल स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर की वैल्यू टेन है यहाँ पे हमने टेन पुट कर दिया ठीक है ना और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा अब क्योंकि यही हमारा लोकस है इसमें कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं है तो एच और के को फिर से हम एक्स और वाई से रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है तो ये क्या दे देगा फोर्टी एच को हम एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं प्लस टेन का ठीक है तो ये इसका लोकस हमारे पास मिल गया और सेम टाइप का लोकस हमें यहाँ पे भी इसने दे रखा है कि ये इस लोकस के इक्वल है तो एक्स स्क्का ए है और वाई स्क्वायर का तो A, A वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्टी और बी की वैल्यू टेन तो हमसे पूछा क्या इसने इसने हमसे पूछा ए माइनस बी की वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी थर्टी के इक्वल हो जाएगी ठीक है तो यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हो

एम हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो एम मैट्रिक्स है देखो ए बी सी डी ई एफ और ये वन 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 करके है, ठीक है और एन एक डिफाइन किया हुआ है एन क्या है हमारा एन है एम स्क्वायर बाई टू ठीक है एन मैट्रिक्स ही है और हमसे पूछा क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ एन तो डिटर्मिनेंट ऑफ एन क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ एम कैलकुलेट कर पाए तो हमारा काम बन जाएगा है कि नहीं अब डिटर्मिनेंट ऑफ एम की अगर हम बात करते हैं ये मैट्रिक्स है तो अगर हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा है ना तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा है ना तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया अब देखो डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लेकिन यहां पे देखो कुछ कंडीशन हमें दे रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो ये हमें क्या दे देगा सिक्स दे देगा वैसे ही दूसरा एक कंडीशन है e C का होल स्क्वायर ठीक है. प्लस e- F का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट और A- माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस D- माइनस एफ का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन ठीक है अब एक कंसीडर आप करो कि मान लो कि हमारे पास ये तीन पॉइंट है ए कॉमा डी ठीक है यहाँ पे बी कॉमा ई और यहाँ पे सी कॉमा एफ ठीक है अब देखो अगर आप इस तीनों को ज्वाइन करोगे तो एक्चुअली में क्या फॉर्म होगा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा ठीक है और इस ट्रायंगल का लेंथ देखो क्या है ए माइनस इसका अगर आप निकालोगे वैल्यू तो ये यही चीज दिया हुआ है ठीक है तो ये एक्चुअली में क्या है लेंथ हमें सिक्स दिया हुआ है बी और इस इस वाले का लेंथ एट दिया हुआ और इसका 10 दिया हुआ इसका मतलब ये क्या है एक राइट एंगल ट्रैंगल है ठीक है तो अगर आप इसको सही से ड्रॉ करोगे तो सही से ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस टाइप का ट्रैंगल फॉर्म हो रहा होगा है ना जिसका ये लेंथ सिक्स है ये लेंथ कोई भी एक आप एज्यूम कर लो ठीक है जिसको अगर मैं ए कॉमा डी मान लू और इसको सी कॉमा एफ मान लू और इसको बी कोमा e मान लू है ना तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप रखोगे तो ये एट है और ये सिक्स है ठीक है तो ये राइट एंगल ट्रेंगल का एक्चुअली बन रहा होगा है ना और ये चीज आइडिया कहाँ से आया कि यही चीज होगा ये आइडिया हमारे पास आया है इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू से ठीक है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है और इस टाइप का डिटर्मिनेंट कहाँ पे फॉर्म होता है इस टाइप का डिटर्मिनेंट क्योंकि जब आप ट्रेंगल का एरिया कैलकुलेशन करते हो तो सेम इसी टाइप का डिटर्मिनेंट बनता है ठीक है तो अगर कोई आपसे इसका एरिया पूछता तो हम क्या निकालते हैं हाफ ऑफ और यही चीज हम करते हैं है ना ए बी सी डी ई एफ और वन 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 कैलकुलेट करते हैं है, है कि नहीं लेकिन हमसे ये ये वैल्यू किसके इक्वल है डिटर्मिनेंट दिटर, ऑफ एम के इक्वल है है ना और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे दूं तो ये ए बी सी हो जाएगा और क्योंकि राइट एंगल ट्रैंगल है तो हम एरिया निकाल सकते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू वन बाई टू और ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ एम है कि नहीं क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ से हम डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है यहाँ से हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी एट ठीक है और ये वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ एन कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितना हो जाएगा फोर्टी एट इंटू फोर्टी एट डिवाइडेड बाई टू ठीक है यहाँ पे टू नहीं होगा यहाँ पे एम स्क्वायर है ठीक है तो ये आपका सॉरी ये अगर आप डिटर्मिनेंट ये एम स्क्वायर है तो जब आप ये डिटर्मिनेंट लोगे तो ये पूरा टर्म इस तरीके से आएगा है ना और जब ये टू बाहर निकलेगा तो ये कितना दे देगा टू बाहर निकल के आपका एट दे देगा ठीक ना ये टू बाहर निकल के क्या दे देगा 8 दे देगा क्यों क्योंकि m जो है वो हमारा क्या है 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है ठीक है तो 2 कितने टाइम्स बाहर निकलेगा तीन बार बाहर निकलेगा तो ये हमारे पास 8 आ गया तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली तो ये कितना आ जाएगा 48 into 6 तो ये कितना आ जाएगा 288 तो डिटरमिनेंट ऑफ n की वैल्यू कितनी आ गई 288 तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास अ स्मॉल पैक ऑफ कार्ड कंसिस्ट ऑफ फाइव ग्रीन कार्ड ठीक है फाइव ग्रीन है फोर ब्लू कार्ड है एंड थ्री ब्लैक कार्ड है ठीक है तो टोटल कार्ड कितने हो गए टोटल हमारे पास ट्वेल्व कार्ड हो गए ठीक है टोटल कार्ड यहाँ पे आप बोल सकते हो टोटल कार्ड ट्वेल्व है ठीक है इसने ट्वेल्व कार, कार्ड ही चूज किया अब ये बोल रहा है पैक इज सफल्ड थ्रोली एंड फर्स्ट थ्री कार्ड आर टर्न फेस्ड अपी तो हमें पोल्टी निकालनी है तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितना हो जाएगा तो वो कितना कार्ड चूज कर रहा है थ्री कार्ड ठीक है तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं ट्वेल्व ट्वेल्व में से थ्री कार्ड चूज करने का तरीका ट्वेल्व सी थर्टीन है नही और इसने हमसे किसकी पोल्टी पूछा है दैट एग्जैक्टली वन कार्ड ऑफ ईच कलर इज सोन ठीक है तो हमारे पास जितने कार्ड है सबसे एक एक कार्ड आना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन कार्ड एग्जैक्टली वन कार्ड ऑफ ईच कलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो ईच कलर क्या होगा तो हमें तीन कार्ड चूज करने हैं तो हमें इस वाले पार्ट से एक कार्ड चूज करना होगा तो उसका तरीका कितना होगा फाइव सी वन दूसरे वाले से फोर सी वन और तीसरे वाले से C1. और सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने है? है ना? बस हमें इसको अब solve करना है, तो solve करो तो करोगे ऊपर कितना कितना हो हो गया? 5, 4, 3. और नीचे टेन नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नाइन फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल ठीक है तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया है ना थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्स सिक्स से ये टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा फाइव से ये टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना थ्री बाई इलेवन तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो सिंपल सा पॉलिटी का क्वेश्चन था नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है तो मॉड ऑफ ए कितना है थ्री मॉड ऑफ बी फोर एंड मॉड ऑफ सी कितना है फाइव और हमें ये दिया हुआ है ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट कितना है वो सिक्सटी है ठीक है और इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री इंटू फोर इंटू फाइव की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास सिक्सटी ही आ जाएगी ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो तीनों एबीसी वैक्टर है ये तीनों वैक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे है ना तो ए बी सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ठीक ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों हो रहा है क्योंकि अगर बॉक्स ए बी सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे अगर ये डिटर्मिनेंट मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी के इक्वल होता है इसका मतलब तीनों वेक्टर क्या होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ठीक है तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई अब हमसे इसने पूछा क्या हमसे पूछा इस वाले वैल्यू लेमडा के इक्वल है ठीक है तो कौन से वैल्यू है ए प्लस ट्वाइस बी वेक्टर प्लस थ्राइस सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी ठीक है और इसके साथ एक और क्रॉस लिया है बी का और एक प्लस है बी वेक्टर के साथ है ना तो पहले हम ये ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं तो ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा ये ए प्लस ट्वाइस बी प्लस थ्राइस सी है डॉट ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा तो हमें पता है कि पहले हम कौन सा वेक्टर लेते हैं पहले हम पास वाला वेक्टर लेते हैं ठीक है तो यहां से पास वाला वेक्टर कौन सा है सी तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर माइनस टाइम्स दूर वाला वेक्टर तो क्या हो जाएगा बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर ठीक है ट्रिपल प्रोडक्ट का बस हमने फॉर्मूला यूज किया और कुछ भी नहीं है ठीक है सिंपल ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का देखना यही फॉर्मूला होता है और ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो और बी डॉट सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी जीरो क्यों क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब भी परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी जीरो होगा ठीक है बी डॉट सी जीरो होगा एंड सी डॉट ए जीरो होगा क्लियर है तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर प्लस प्राइस वेक्टर डॉट बी वैक्टर ठीक है अब इंडिविजुअली डॉट लोगे तो ए डॉट बी प्लस टू बी डॉट बी प्लस थ्री सी डॉट बी ठीक है यहां से देखो फिर से ये जीरो हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है है ना तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया ठीक है तो हमारे पास बच गया टू बी डॉट बी और टू बी डॉट बी क्या होता है मॉड बी स्क्वायर और मॉड बी की वैल्यू कितनी है फोर तो ये कितना हो जाएगा फोर स्क्वायर तो कितना आंसर आ जाएगा थर्टी टू है ना तो कौन सा ऑप्शन हम मार्क कर सकते हैं बी ऑप्शन आप यहां पे इजिली मार्क कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास जेड हमें दे रखा है ठीक है जेड क्या है जेड इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा ठीक ना आर पॉजिटिव है और थीटा की वैल्यू क्या है वो थ्री पाई से पाई के बीच में लाई कर रही है ठीक है अब हमसे बोला है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और इस इक्वेशन ये इक्वेशन क्या है जेड टू दावर एट माइनस जेड टू दावर सेवन जेड टू दावर सिक्स ऑल्टरनेट प्लस माइनस का साइन मूव कर रहा है और जेड की सारी पावर हमारे पास क्या है अवेलेबल है ठीक है अब देखो इस टाइप का सिचुएशन होता है ये जीपी फॉर्म हो रहा है है ना जीपी फॉर्म होगा जिसका हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जीपी का तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर टू दावर एन टोटल टर्म कितने हैं नाइन है माइनस वन अपॉन माइनस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो है ना तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी जेड टू पावर नाइन इक्वल टू माइनस वन ठीक है और ये क्या हो गया नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना क्या हो गया ये नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी तो हम जेड को क्या लिख सकते हैं जेड को लिख सकते हैं ई टू पावर आई टू कितना हो जाएगा टू के पाई बाई एन है ना तो ये रूट ऑफ यूनिटी होता है और के वैल्यू यहां से आगे मूव करेगी है ना तो के वैल्यू आप सारी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो ठीक है लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि के की हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा क्या है ये पूरा टर्म थीटा है ठीक है और ये वैल्यू पे लाई करनी चाहिए पाई से थ्री पाई के बीच में लाई करनी चाहिए है ना तो के की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है के वैल्यू आप फाइव पुट कर सकते हो है ना के, के वैल्यू आप फाइव से कम पुट नहीं कर पाओगे क्योंकि कम पुट करोगे तो वो पाई से थ्री पाई के इंटरवल के बाहर चला जाएगा है ना तो फाइव सिक्स सेवन एट है ना नाइन आप नहीं पुट कर पाओगे क्योंकि नाइन पुट करोगे तो ये पाई के इक्वल हो जाएगा है ना टू पाई के इक्वल हो जाएगा है कि नहीं तो ये फाइव सिक्स सेवन नाइन है ना यहां पे देखो टू पाई से पाई से थ्री पाई के बीच में तो ये फाइव सिक्स सेवन के बाद आपका ये टेन दे देगा ठीक है इलेवन दे, दे देगा ट्वेल्व दे देगा थर्टीन दे देगा ठीक ना और आप <coughs> ये सारी वैल्यू इसके लिए पॉसिबल है ठीक है यहाँ पे नाइन हमने क्यों नहीं लिया क्योंकि देखो ये नीचे वाला टर्म जो है ये जीरो भी नहीं होना चाहिए क्यों तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं जेड नॉट इक्वल टू माइनस वन ठीक ना और जेड की के की वैल्यू अगर नाइन हो जाएगी तो ये टू पाई जेड की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी ठीक है तो उस कंडीशन के लिए हमने के इक्वल टू नाइन पुट नहीं किया बाकी सारी वैल्यू आपके पास तो के इतनी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो हमसे इसने पूछा क्या है कि बोला है सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इज के पाई ठीक है तो थीटा की सारी वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल होगी तो सारी वैल्यू पुट करते जाओ तो थीटा की वैल्यू हम क्या क्या लिख सकते हैं पाइव पुट करोगे तो कितना आ जाएगा टेन पाई बाई नाइन दूसरी क्या हो जाएगी ट्वेल्व पाई बाई नाइन फोर्टीन पाई बाई नाइन सिक्सटीन पाई बाई नाइन एटीन पाई बाई नाइन नहीं आएगा ट्वेंटी पाई बाई नाइन ट्वेंटी टू पाई बाई नाइन ठीक है ट्वेंटी फोर पाई बाई नाइन एंड ट्वेंटी सिक्स पाई बाई नाइन ये सारी वैल्यू पॉसिबल है हमें सबको करना क्या है सबको ऐड करना है ठीक है तो थीटा की वैल्यू लिखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन पाई बाई नाइन प्लस ठीक है सबसे देखो पाई बाई नाइन आप कॉमन ले लो पाई बाई नाइन कॉमन ले लिया तो टेन प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टीन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी सिक्स ठीक है इन सबको हम ऐड कर सकते हैं ठीक है तो ऐड करो कितना आ जाएगा ये इन सबको ऐड करोगे तो ये ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ ये ये दिया हुआ के पाई के इक्वल ठीक है ना यहाँ से थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आती है 16 पाई के इक्वल आती है ठीक है सबको सॉल्व करोगे तो और 9 पाई बाय 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 पाई दे देगा ठीक है यहाँ से k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 16 के इक्वल तो यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं k इक्वल टू 16 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास एक इंटीग्रेशन है i n ठीक है, आई एन और ये दिया हुआ है जीरो से एन पाई के बीच में और हमारे पास एक फंक्शन है मैक्सिमम फंक्शन है मॉड कॉमा मोड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ठीक है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है डीएक्स का ठीक है और हमें आई टू प्लस आई फोर निकालना था पहले इसको सॉल्व करते हैं यहां पे फंक्शन देखोगे फंक्शन क्या है मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम फंक्शन है यानी मॉड साइन एक्स और मॉड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में जो मैक्सिमम होगा ठीक है तो वो चीज हमें देखनी है तो दोनों का कर्व हमें पता है दोनों कर्व प्लॉट करोगे ठीक है तो sin का कर्व कैसा हो जाएगा इस टाइप से ठीक है एन पाई है तो हम पहले एक इंटरवल में देखते हैं एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए निकलता जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी वन तक और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या दे देता है वन ही दे देता है लेकिन कहाँ पे ये यहाँ से लेके इस वाले इंटरवल तक देगा ठीक है तो ये थोड़ा सा ऊपर से मूव करता है और ये कहाँ तक देगा ये पाई बाई टू तक हमें ये दे देगा तो ये वाली वैल्यू पाई बाई टू आ गई और यहाँ से फिर ये नेक्स्ट से आके ये पाई पे जाएगा है ना तो ये ट्रायंगुलर शेप का मॉड क्योंकि नीचे भी ये कर्व ऐसा बनना चाहिए था इस टाइप से बनता है लेकिन क्योंकि मॉड हो गया तो ये ऊपर चला गया है ठीक है और साइन की वैल्यू हमेशा इसके बीच में इस तरीके से मूव करता जाएगा ठीक है तो ये पाई हो गया ये टू पाई हो गया और सेम इसी तरीके से ये कर्व ऐसे मूव करेगा और साइन इनवर्स का कर्व हमेशा ऊपर रहेगा इसका मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा ये मॉड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ही हो जाएगा ठीक है और देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन ये वाला मॉड वाला पार्ट क्या है एक्चुअली में ये वाला पार्ट एक्चुअली में क्या है ये ट्रेंगुलर शेप बन रहा है ठीक है तो इस ट्रेंगल का तो हम एरिया निकाल ही सकते हैं है ना ये ट्रेंगल का एरिया निकाल सकते हैं तो ये ट्रेंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ ऑफ बेस लेंथ कितना है पाई और हाइट कितनी है पाई बाई टू है कि नहीं कितना हो जाएगा पाई इन टू पाई बाई टू तो ये कितना दे देगा पाई देगाई फोर तो ये टोटल एरिया पाई स्क्वायर बाई फोर है ठीक है तो यहाँ पे जो आई एन हमें दिया हुआ है आई एन क्या है जीरो से एन पाई तक है हमने कहाँ से सोल्व किया है जीरो से पाई तक सोल्व किया है तो एन पाई में करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी एन पाई स्क्वायर बाई फोर के जाएगी। क्योंकि सारा कर्व पॉजिटिव साइड ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब हमारे पास आई एन आ चुका है तो आई टू हम निकाल सकते हैं आई टू कितना हो जाएगा टू पाई स्क्वायर बाई फाइव और आई फोर कितना हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर बाई फोर ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना दे देगा I2 टू प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी I2 टू प्लस आई फोर सिक्स पाई स्क्वायर बाई फोर ठीक है और हमारे पास आंसर किस फॉर्मेट में है ना तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा थ्री पाई स्क्वायर बाई टू है ना ये क्या हो जाएगा थ्री पाई स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे देखो किस फॉर्मेट का है लेमडा पाई स्क्वायर बाई टू होना चाहिए तो लेमडा की वैल्यू कितनी आप फिल कर सकते हो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू थ्री हो जाएगी ठीक है तो थोड़ा सा ज्योमेट्री प्लॉट करोगे तो ये चीजें देखने में थोड़ा सा इजी हो जाता है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जीरो से टू पाई के बीच में हमें नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन 81 वन टू दावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एट्टी वन टू दावर कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा तो क्योंकि एट्टी वन टू दावर साइन स्क्वायर एक्स बार बार रिपीट हो रहा है जिसको हम टी एज्यूम कर सकते हैं तो ये क्या दे देगा टी प्लस इसको हम क्या लिखेंगे साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एट्टी वन बाई टी इक्वल टू थर्टी ठीक है यहाँ पे देखो टी में क्वाडिटी बनेगी तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस थर्टी टी प्लस एट्टी वन इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ से आपके पास इसका फैक्टर हमें दिख रहा है कितना होगा टी माइनस ट्वेंटी सेवन टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो टी की वैल्यू कितनी आ गई थ्री एंड ट्वेंटी सेवन ठीक है और टी हमने किसको एज्यूम किया था एट्टी वन टू दावर साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ से कितनी हो जाएगी ये थ्री टू दावर ये वन दे देगा है ना और एट्टी वन टू दावर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू थ्री टू दावर थ्री हो जाएगा ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं ये कितना हो जाएगा थ्री टू दावर फोर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री टू दावर एन और ये थ्री टू दावर फोर साइन स्क्सल टू थ्री टू दावर थ्री यहाँ से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाई फोर और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू थ्री बाई फोर तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू किसकी कुल हो जाएगी प्लस माइनस हाफ और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू ठीक है हमें टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने जीरो से टू पाई के बीच में तो साइन एक्स का कर्व हमें जीरो से टू पाई के बीच में पता होता है ठीक है तो ये जीरो से टू पाई तक है ये पाई हो गया हाफ कहाँ पे आएगा तो ये हाफ होगा माइनस हाफ कहाँ पे आएगा तो ये वाई इक्वल टू हाफ है ये वाई इक्वल टू माइनस हाफ है वैसे ही रूट थ्री बाई टू भी क्या होगा रूट थ्री बाई टू भी कितने टाइम्स कट करेगा है ना तो रूट थ्री बाई टू भी दो बार ऊपर कट करेगा और दो बार नीचे कट करेगा तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने हो गए एक दो तीन चार यहाँ पे पांच छ सात और आठ है ना तो जीरो से टू पाई के बीच में टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके एट सॉल्यूशन हो जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हो एट फिल कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन हमें डिफाइन है और बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे तो हमें बी इन सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है फंक्शन क्योंकि ब्रांच फंक्शन है तो हमें लिमिट कैलकुलेट करना होगा ठीक है तो हम क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी एफ ऑफ जीरो के क्योंकि ये कंटिन्यूस है, है ना और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है बी के इक्वल है और ये वाला क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स बाई सी एक्स प्लस एक्स अपॉन फोर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए हमें दिया हुआ है ठीक है इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहला वाला देखो अगर मैं ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और सी को बाहर निकाल लें ठीक है तो फर्स्ट वाले लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू बाई सी प्लस दूसरा वाला लिमिट है ठीक है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो ये तो ये पे देखो क्या हो जाएगा Limit X tending to 0, ये कितना दे देगा Sine of twice X, नीचे में हमारे पास एक्स ऑलरेडी था टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और सी को बाहर लिख लिया ठीक है प्लस इस वाले पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन यूज कर रहे हैं ठीक है तो रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर में कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए ठीक है यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल हो गया और x से x भी कैंसिल हो गया ठीक है अब लिमिट पुट करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू ये b के इक्वल होनी चाहिए लिमिट पुट करोगे तो ये वाला इंटर ये वाला तो वैल्यू तो वन हो गया यहाँ से कितना आ जाएगा टू बाई सी प्लस यहाँ से देखोगे तो x टेंडिंग टू जीरो पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा मॉड ऑफ a प्लस ए डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू बी है ना मॉड हमने क्यों लिखा क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मॉड ए होती है मतलब कि स्क्वायर रूट से कोई भी टर्म बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे देखो एक कंडीशन हमें ऑलरेडी दे रखा है ए की वैल्यू क्या है नेगेटिव है ठीक है तो अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव और दोनों क्वांटिटी में इक्वल है तो ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या हो जाएगी जीरो की इक्वल हो जाएगी ठीक है ए की कोई सभी वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे चेक कर लो कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू ए की वैल्यू माइनस टू पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू और ये प्लस टू फिर से जीरो बन जाएगा है ना तो ये क्वांटिटी अपने आप में क्या है एक जीरो वाली चीज है तो इसको ये जीरो हो गया तो ये कितना हो गया टू बाई सी इक्वल टू बी की इक्वल हो गया तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बी इंटू सी इक्वल टू टू है कि नहीं बी इंटू सी इक्वल टू टू तो यहाँ पे आप क्या फील कर पाओगे यहां पे आप टू फिल कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट हमारे है पास अ हार्बर लाइज इन द डायरेक्शन 60 डिग्री साउथ वेस्ट ठीक है तो डायरेक्शन की बात कर रहा है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ कर लेते हैं इस वाले पॉइंट को फ्रॉम अ पोर्ट इसको हम लोग हम लोगों ने पोर्ट एज्यूम कर रखा है ठीक है सॉरी फोर्ट है तो इसको हम फोर्ट एज्यूम कर लेते हैं इस ओरिजिन को यहाँ से 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट ठीक है तो यहाँ से 60 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा ठीक है ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया तो ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है ठीक है एट ए डिस्टेंस 30 किलोमीटर यानी यहाँ से एक पॉइंट इस पे हम ले लेते हैं ए वाला पॉइंट तो ये ओ से ए की वैल्यू कितनी दी हुई है ओ से ए की वैल्यू हमें थर्टी किलोमीटर दे रखा है ठीक है अशिफ सेट्स आउट फ्रॉम दार्बर यहाँ पे हार्बर है एट नून एंड सेल्स टूवर्ड ईस्ट यहाँ से ईस्ट की तरफ ये सेल करता है एट ए स्पीड टेन किलोमीटर पर आवर ठीक है तो ये टेन किलोमीटर पर आवर के स्पीड सेल कर रहा है टाइम एट विच दिच सीप विल बी सेवेंटी किलोमीटर फ्रॉम दोर्ट ठीक है यहाँ से इस पोर्ट से ये कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए सेवेंटी पे है ना यानी इस पॉइंट को अगर हम बी ले ले लेते हैं तो ओ बी हमें कितना दिया हुआ है सेवेंटी दिया हुआ ठीक है तो ये डिस्टेंस हमें सेवेंटी है ये डिस्टेंस हमें थर्टी है तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं ये वाला डिस्टेंस, ठीक है कैसे निकालोगे तो ये वाला देखो ये सिक्सटी दिया हुआ है तो ये एंगल कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री हो जाएगा है कि नहीं अगर मैं इस ट्रैंगल की बात करूं ठीक है अगर हम इस ट्रैंगल की बात करें तो इस ट्रैंगल में क्या होगा ठीक है यहाँ पे देखो ये थर्टी डिग्री हो गया ये नाइन्टी डिग्री है क्योंकि कॉर्डिनेट एक्सिस है तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर से सिक्सटी डिग्री ठीक है तो अब ट्रैंगल ए ओ बी की बात करोगे ए ओ बी में हमें दो साइड दिया हुआ है थर्ड साइड नहीं पता है ए बी साइड नहीं पता है तो ए बी को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया तो इसमें अगर हम कोसाइन रूल यूज करते हैं कोसाइन रूल यूज करते हैं इस एंगल ए के अबाउट ठीक है तो कॉस सिक्सटी डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवेंटी है ना थर्टी स्क्वायर कितना दे देगा 30 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इनटू 30 इनटू एक्स है ना और कॉस 60 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हाफ के इक्वल तो यहां से आप एक्स कैलकुलेट कर पाओगे तो यहां से देखो ये दोनों कैंसिल हो गया ऊपर से कितना आ जाएगा ऊपर से आ जाएगा स्क्वायर माइनस इस दोनों को सॉल्व करेंगे है ना ये इधर मल्टीप्लाई होकर माइनस थर्टी एक्स दे देगा है ना और ये इस दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस फोर थाउजेंड इक्वल टू जीरो ठीक है इसका फैक्टर निकाल सकते हो इजली तो उस फैक्टराइजेशन पे नहीं जाने हम लोग यहाँ पे देखो डायरेक्टली ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कैलकुलेट करना एक्स की वैल्यू एट्टी आ जाएगी यानी ए बी लेंथ हमारे पास कितना है एट्टी किलोमीटर है ठीक है बाकी ये फैक्टराइजेशन है फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो तो ए बी लेंथ हमें मिल गया हमसे इसने टाइम पूछा है तो हमें डिस्टेंस पता है वेलोसिटी पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा एट्टी बाई टेन इक्वल टू एट आवर ठीक है तो यहाँ पे इन आवर में ही इसने पूछा है आवर में तो ये कितना आवर हो जाएगा 8 आवर ठीक है ना तो यहाँ पे आप एट पुट कर सकते हो क्लियर है तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ठीक है तब तक आप सारे क्वेश्चंस वगैरह और कंप्लीट करते रहो ठीक है कोई डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करते हैं ठीक है चलो बाय